नाश्ते तो आपने बहुत बार बनाए होंगे और खाए होंगे, पर आज जो हम नाश्ता लेके आए हैं बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बनके ये तैयार हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये गेहूं के आटे से इतने मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार हुआ है और क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है। और सबसे ख़ास बात ये है कि आप इस नाश्ते को बना लेंगे ना तो आपको रोटी सब्जी दाल चावल कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, पेट भर जाएगा आपका। बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक पैन में हम तेल डालेंगे 1 चम्मच। यहाँ पे आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड का कोई भी। जीरा डालेंगे, 1 कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे। तीखा आपको ज़्यादा पसंद है तो दो यहाँ पे 2 हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज की प्याज डालेंगे, 2 मिनट के लिए इसे हल्का सा लाल कर लेंगे। तो बस इसका हमें हल्का सा कलर चेंज करना है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू उबाल के रखे थे तो यहाँ पे मैंने मैश करके 3 मीडियम साइज के आलू को लिया है। अच्छे से 1 मिनट के लिए प्याज में आलू को मिक्स कर देंगे। तो कोई भी इसमें अलग से मसाले वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास घर में मसाले हैं ना उन्हीं से बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला बनके तैयार होगा। तो सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया है, नमक से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि बिना नमक की चीज़ें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। तो बस गरम मसाला डाल दीजिए, लाल मिर्च डाल दीजिए, आधी छोटी छोटी चम्मच डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, आधी छोटी चम्मच धनिया डाल दीजिए और कुटा हुआ लाल मिर्च होना तो वो भी डाल दीजिए। और यहाँ पे देखें 1 टुकड़ा इमली का मैंने पानी में भिगो के रखा था, इसे भी डाल दिया है। इसकी जगह आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आजकल जो आलू आता है हल्का मीठा मीठा रहता है तो उसको ये बैलेंस करेगा, इमली का रस या जो भी आप डालना चाहें, नींबू का रस या इमली का पल्प। और अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भूंज लीजिए इसे। तो देखें 2 से 3 मिनट में ही इसका आपको कलर चेंज दिखेगा। और लास्ट में हम हरा धनिया डाल देंगे, एक बार हरा धनिया डालने के बाद मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है और वो भी घर के कुछ ही सामान से। अब स्टफिंग तो बन गई है तो इसे साइड रख लेते हैं और दूसरी तैयारी करते हैं। तो निकाल लेते हैं स्टफिंग को हम किसी बर्तन में। यहाँ पे एक बर्तन ले लेंगे, कोई भी बर्तन ले लीजिए। 1 कप आप गेहूं का आटा ले लीजिए, यहाँ पे मेरा मार्केट वाला गेहूं का आटा है। साथ में मैं इसमें नमक डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से। और अब हम इसमें 2 चम्मच घी डाल रहे हैं। घी की जगह आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डालडा का भी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनेगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथों से। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है और इसका हमें ना टाइट डो लगा के तैयार करना है, जैसे पूड़ी के लिए लगाते हैं ठीक उसी तरह का डो लगा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से डो लग के तैयार हो जाएगा। तो देखें अब हमें पहले हमने घी अच्छे से मिला दिया है और पानी डालकर इसका डो लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि 1 कप गेहूँ के आटे से ही काफ़ी नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। और अब हम इस डो को अच्छे से गूंथकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार में नाश्ता बनने वाला है, डिजाइनदार। आपने इससे पहले नहीं बनाया होगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको खाने से। अगर आप इस मेहमान को ये नाश्ता खिला देंगे ना तो वो बिल्कुल आपकी तारीफ़ करते थकेगा नहीं, क्योंकि इतना डिजाइनदार और इतना बढ़िया ये नाश्ता बनता है ना कि क्या बताऊँ। और बस देखें अब हमने तेल डालकर इसे अच्छे से चिकना कर दिया है, इससे हमारी 5 से 6 लोइयां बनके तैयार हो ही जाएंगी। तो यहाँ पे एक बार फिर मसल लेंगे और इसकी लोइयां कट कर लेंगे। तो छोटी छोटी जितनी साइज़ की हम पूड़ी वगैरह बनाते हैं ना उतनी साइज़ की हम इसकी लोइयां बना लेंगे। और बस इसे बेल लेंगे, पूड़ी से हम थोड़ा बड़ा बेलेंगे, छोटा नहीं बेलेंगे। और देखें आटे की हमने पूड़ी से डबल ये बेल कर तैयार कर लिया है, बहुत ही बढ़िया बेल गया है। और इस नाश्ते को ना आप मैदा से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए आपको गेहूं का आटा ही चाहिए है, देखें मैदा से भी बनाया जा सकता है।
अब इसके बराबर हिस्से में कट लगाना है। कट हमें बहुत ध्यान से लगाना है क्योंकि बीच के हिस्से को हमें छोड़ देना है, उसे नहीं काटना है। और चारों तरफ देखें इस तरह से कट लगा दिए हैं जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो कट लगाने के बाद आप स्टफिंग एक चम्मच इसमें इस तरह से भर दीजिए, किनारों पर पानी लगा दीजिए। स्टफिंग निकलने का कोई चांस नहीं, पक्का मैं बता रही हूँ, बहुत ही बढ़िया नाश्ता है। और इस तरह से इसे पैक कर देंगे इस तरह से। अब हम इसे किनारों से इस तरह से दबा देंगे जैसे दबाते हैं, उंगली की सहायता से अच्छे से दबा देंगे। स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और बहुत ही बढ़िया मज़ेदार टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने देखें उंगली से अच्छे से इसे दबा दिया है चारों तरफ से, तो स्टफिंग अच्छे से पैक हो गई है। अब क्या करेंगे, चाकू ले लेंगे और इसके किनारों को इस तरह से कट कर देंगे। तो इस तरफ ध्यान रखना है कि हमें पहले इस तरफ से कट करना है और फिर दूसरी तरफ से कट करना है। ये देखें इस तरह इसके कट लगाने हैं, कट को ध्यान से लगाना है और फिर एक एक करके इस तरह से एक इस तरफ एक उस तरफ दोनों तरफ इस तरह से करते जाएंगे तो एक डिजाइन अपने आप ही बनती जाएगी। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे मैं इस तरह से कर रही हूँ, बस इसी तरह से करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में हम इस डिजाइन को दबा देंगे तो खुलने के कोई चांस नहीं रहेंगे, बहुत ही अच्छे से पैक होती है। क्योंकि देखें इसको हमने एक के ऊपर एक दबाया है तो खुलने का कोई चांस नहीं। और अच्छे से दबाने के बाद देखें मैंने नाश्ते को साइड रख दिया है। इसी तरह से मैं दूसरा भी बना रही हूँ, देखें कितना ईजी है। एक आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना दूसरा तो इतनी जल्दी बन जाएगा कि क्या बताएं, और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। और देखें इसे भी मैंने पैक कर लिया है और जो डिजाइन है ना बहुत ही बढ़िया निखर के आ रही है, कितनी सुंदर लग रही है, लग ही नहीं रहा है कि ये मैंने आटे में इतनी अच्छी डिजाइन बना ली है। तो इसे भी अच्छे से हम पानी लगा के देखें लास्ट में दबा देंगे। अब तेल गरम करने के लिए रख देंगे जब हमारा नाश्ता अच्छे से बन जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आँच को बिल्कुल धीमा रखना है और धीमी आँच में बढ़िया से क्रिस्पी होने देना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत ही जल्दी सिक जाएगा। और जैसे ही अच्छे से ये सिक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जब नाश्ता क्रिस्पी हो जाता है ना तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते को अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है। आप एक इसकी डिजाइन देखिए, लेयर देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। कोई मैं जैसे मैंने बताया चांस नहीं है खुलने वगैरह का। और सारे नाश्ते अब हम इसी तरह से तल लेते हैं। तो देखें मैंने पहले दो एक बार में तले और फिर तीन, तो इस तरह से आप सारे नाश्ते बना के तैयार कर सकते हो। नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है, क्रिस्पी भी है,